दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स। सोना खरीदो सोना जीतो स्वर्ण समृद्धि योजना। सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर की ग्राम पंचायत रोहांडा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहांडा में पिछले 4 महीनों से 5 अध्यापकों के पद खाली पड़े हुए हैं, जिसके कारण छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के छात्र व छात्राएं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जानकारी के अनुसार रोहांडा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में पिछले 4 महीने से 5 अध्यापक के पद खाली है। इस समय स्कूल में 222 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिन्हें अध्यापकों के पद खाली होने से अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। वहीं आने वाले दिनों में बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी सिर पर है, लेकिन शिक्षा विभाग और सरकार द्वारा बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आगामी दिनों में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन सरकार को बच्चों का कोई भी फिक्र नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक ममता देवी ने बताया कि स्कूल में पिछले लंबे समय से अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। इस बारे में कई बार विभाग को शिकायत दी गई है, लेकिन अभी तक अध्यापकों के पद नहीं भरे गए हैं। उन्होंने विधायक राकेश जामवाल और शिक्षा विभाग से मांग की है कि स्कूल में अध्यापकों के खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो और बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। वहीं ग्राम पंचायत रोहांडा के प्रधान प्रकाश चंद ने कहा कि स्कूल में पिछले लंबे समय से अध्यापकों के 5 पद खाली पड़े हुए हैं, जिसमें से 1 फिजिक्स, TGT हिंदी, TGT इंग्लिश और 2 पद कॉमर्स के खाली पड़े हैं। इन पदों को भरने के लिए स्थानीय लोगों ने विधायक राकेश जामवाल को शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार व स्थानीय विधायक राकेश जामवाल से मांग की है कि वे जल्द इन खाली पड़े पदों को भरें, ताकि बच्चे निजी स्कूलों की तरफ रुख ना करें। इस मौके पर ग्राम पंचायत प्रधान प्रकाश चंद्र, SMC प्रधान महेंद्र, ममता देवी, गोकुल चंद, मुरारी लाल, हुकुम चंद, नागेंद्र गुप्ता सहित प्रवीण शर्मा उपस्थित रहे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहांडा में हमारे काफी लंबे समय से कुछ पोस्टें खाली चली हुई है टीचरों की, जिससे कि हमारे बच्चों में पढ़ने की प्रॉब्लम आ रही है। और हम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से और स्थानीय विधायक राकेश चंबाल जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इन पोस्टों को फिलअप करें, और जिससे कि हम बच्चे को सही ढंग से पढ़ा सके, नहीं तो हमारे बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये पोस्टें जल्दी से जल्दी फिलअप हो जाए। धन्यवाद। प्रधान ग्राम पंचायत रोहांडा, हमारी पंचायत के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहांडा में काफी समय से लगभग 5 पोस्टें वैकेंट चली हुई है, जिसमें से 1 फिजिक्स की है, 2 TGT इंग्लिश, TGT हिंदी और 2 कॉमर्स की है। इसकी सूचना हमने स्थानीय लोगों के माध्यम से स्थानीय विधायक राकेश जम्बाल को भी दी, परंतु उसके बावजूद भी अभी कोई भी पोस्ट फिलअप नहीं हुई। हमारी स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय विधायक राकेश जम्बाल से प्रार्थना है कि इन पोस्टों को तुरंत फिलअप किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे अभिभावकों को अपने बच्चों को इधर उधर स्कूलों में भेजने को मजबूर ना होना पड़े। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।